माया में थोड़ा सा बहुत से मॉडल में तुम्हें दिखेगा कि चाहे वो हाउस हो कोई भी इन्वायरमेंट हो, उसमें अनइवन ब्रिक की मॉडलिंग बहुत दिखेगी, है ना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्टूनिश लुक नज़र आए। अनइवन ब्रिक कैसे यहाँ पे मॉडल करते हैं, देखो नॉर्मली होता है क्या कि अनइवन शेप्स के स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं और उसको बहुत अनइवन करने के लिए जी ब्रश यूज़ करते हैं। फिलहाल जो हम सिचुएशन देख रहे हैं पूरी तरीके से माया पे देखेंगे, है ना। मान लो हम एक कुआं बनाने जा रहे हैं, है ना, तो कुएं के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप ले रहे हैं। तो पॉली मॉडलिंग में आ रहे हैं और हमने यहाँ पे क्या लिया, सिलेंड्रिकल शेप। और इसकी रेडियस हमने यहाँ पे क्या की, इंक्रीज की, जितना हैवी हमें कुआं चाहिए, ठीक है, हाइट बढ़ा देते हैं। पॉली सिलेंडर शेप में आ रहे हैं, सबसे पहले इसकी कर्व वैल्यू क्या कर रहे हैं, जीरो। सेगमेंट्स पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने कितने फुट किए, 19, और इस पर हमने कितने फुट किए, 10। जो फेस हमें नहीं रखना फिलहाल, उसको हम क्या कर रहे हैं, ये फेस हम इसके साथ चाह नहीं रहे, अलग चाह रहे हैं, है ना। तो लेने के बाद एडिट मैश में जाना है और इसको हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर, चेक करें वो अलग है हमारा फेस, ये अलग एज पे आ रहे हैं। एक एक स्पेस देकर हम शिफ्ट के साथ इन एज का क्या ले रहे हैं, सिलेक्शन, एक रो का लिया पूरा, है ना। ऐसे ही अब यह लाना लेके उसके नीचे का ले रहे हैं, फिर अल्टरनेट पे हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाते जाते हैं। अल्टरनेट पे मैच ना करें इसका ध्यान रखना। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस करने से वो सारे ब्रिक यहाँ पे क्या हो गए, एजेस, तुम्हारे कंट्रोल बैक स्पेस, है ना। तो उसमें वर्टेक्स और एच दोनों ही वहाँ से क्या होंगे, रिमूव। तो अब हमारे देखो ब्रिक का साइज कुछ ऐसे बनता है, अभी क्या है ये सब कम्बाइंड, तो उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, एच लेंगे, सारा सिलेक्शन ले रहे हैं। कहाँ पे जाएंगे, एडिट मैश में जाएंगे और ऑप्शन मिलेगा हमें डी अटैच, कर दिया हमने, है ना। फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, चेक करेंगे तो अभी वो डी अटैच तो हुए हैं लेकिन अभी भी वो कंबाइंड फॉर्म में देखें, हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेपरेट हो जाए एक दूसरे से। तो डी अटैच करने के बाद मैश में जाके हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, कर दिया। ध्यान से देखो ये सारे फेस अलग, तो वाला पोर्शन अभी सिलेक्शन में ना कवर हो, है ना। तो नीचे वाले पोर्शन को हमने जो ले रखा है सिलेक्शन में, ठीक यहीं पे ऑप्शन दे रखा है लेयर पैनल, और इसमें जाके हमने यहाँ से क्या किया, क्रिएट अ न्यू लेयर और असाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मीन्स जो सेलेक्टेड है वो नई लेयर पे अपने आप क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, दे दिया। लेयर वन के नाम से आउटपुट आया, अगर हम वी वन करके देखें तो वो हाइड है, ठीक है, ताकि अब हमारे पास जो हम जिस पे वर्क करना चाह रहे हैं वही सारे फेस क्या हो रहे हैं, शो। ठीक, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट मोड में, सिलेक्शन ले लेते हैं, एडिट में जाते हैं, डिलीट बाई टाइप, इसकी हिस्ट्री क्या करते हैं, रिमूव। सारा सिलेक्शन ले रखा है, डायरेक्टली हम किस पे जा रहे हैं, एक्सट्रूड पे जा रहे हैं, क्लिक किया और जेड डायरेक्शन में इसको प्रॉपर क्या कर देंगे, ताकि थिकनेस आ जाए इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, शेप हमारे ऐसे दिख रहे हैं। अभी अगर हमने किसी भी शेप को सेलेक्ट करके 3 फुट किया यानी स्मूथ किया तो वो इस शेप में जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, है ना। तो कंट्रोल जेड, यानी हमें इसमें सेगमेंट रेशियो चाहिए, ठीक। अब एक एक शेप पे ना जाके हम क्या कर रहे हैं, सबका एक साथ सिलेक्शन ले ले लिया हमने, और कहाँ पे जा रहे हैं, एडिट मैश, यहाँ पे हम क्या देंगे, बेवल, एक साथ हम इन सारे शेप पे क्या पुट कर रहे हैं, बेवल्स। बेवल ने देखो एक यहाँ पे रफली एज हमारे लिए क्रिएट किया, कितना फ्रिक्शन वैल्यू पुट करनी है वो अलग अलग शेप पे जाके हम चेंज कर सकते हैं, जिस पे ज़्यादा किस पे कम, है ना, दिख रहा है, उसमें भी हम सेगमेंट यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हमने सिलेक्शन लेके 3 फुट किया तो डिफरेंस है, ये 3 फुट कर रहे हैं तो हमें ये ब्रिक का शेप कैसा दिख रहा है, स्मूथ, हमें परमानेंट स्मूथ चाहिए, तो मैश स्मूथ में आके हमने इसको क्या यूज़ किया, तो प्रॉपर वे में इसमें हमने सेगमेंट्स क्या किए, इंक्लूड कर दिए। ऑब्जेक्ट मोड में आ गए हम लगभग, ये नॉर्मल किसी भी और दूसरे व्यू पे आ जाएं और हम यहाँ से सिलेक्शन ले रहे हैं टॉप के ब्रिक का, शिफ्ट के साथ हमने क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी, स्केल कर रहे हैं ऊपर का पोर्शन में, थोड़ा सा बॉर्डर फॉर्म देना चाह रहे हैं, चाहें तो यहाँ पे शेप को सेलेक्ट करके लगभग सारी शेप लेते हैं एक बार में। मॉडिफायर में जा रहे हैं, सेंटर टू पाइवेट कर रहे हैं, ताकि उनका पाइवेट उनके सेंटर, और यहाँ से वेरिएशन कर सकते हैं जिस पर भी हमें जरूरत है। स्कल्पटिंग पे आ रहा है,
शेप थोड़े से और अनइवन दिखें, गैप हमारा जो बीच में बन रहा है वो थोड़ा सा और क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल रहे हैं कई सारे, पुल अ सिंगल वर्टेक्स, देखिए शेप ले लेते हैं, पुल अ सिंगल वर्टेक्स, शेप को यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, अगर हम एक साथ सारी शेप देखें चेक करें, सिलेक्शन हमने सबका बना रखा था एक साथ, और रैंडम भी, जितना ये रैंडम शेप्स दिखेंगे उतने इफेक्टिव होंगे, उतना रियलिस्टिक दिखेंगे। बहुत आराम से टाइम लेकर हमें इनको थोड़ा सा क्या करना है, क्रॉस कर जाए कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर अंदर का गैप ज़्यादा फील हो रहा है, हालांकि कोशिश करो टाइम लो पूरा आराम से और सही तरीके से गैप की फीलिंग लगभग क्या करो, यहाँ पे ज़्यादा दिख रही पहले से उसको कवर करो। उसके बाद अलग से हमने यहाँ पे क्या ले लिया, पॉलीगन में आके मैं एक सिलेंड्रिकल शेप ले लिया, फिर से पॉली रेडियस यहाँ पे हमने इतनी देनी है कि बस उसी के अंदर ही हमारा क्या हाइट रेशियो हमने फिर से इंक्रीज किया, या पहले हम कॉपी निकाल के रख सकते थे। एडजस्ट पे आ जाए, डबल क्लिक, स्केल टूल लें शिफ्ट के साथ, थोड़ा सा स्केल, मूव टूल लें, और अंदर भी शेप हमने उसके क्या किया था। ऐसे हमें फ्लोरिंग पे भी इसी टाइप का क्या दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है ना। एक सिचुएशन हमारे पास कि हम प्रॉपर प्लेन स्केल करें, फिर से सेगमेंट्स बढ़ाएं जैसा भी हमने यूज़ किया था, है ना, और आसपास के कुछ पोर्शंस को हम फिर से क्या करें, सेट करें जैसे कि हमने एडजस्ट पे लिया, है ना। लेकिन ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली लाइन उस समय क्या हो रही है, इसमें शो हो रही है। इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे दे रखा ऑप्शन क्या, पॉलीगन डिस्क, जिसमें देखो थोड़ा सा राउंड फॉर्म में क्या मिल रही है, डिस्क मिल रही है, डिस्क की प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं यहाँ पे, सब डिविजन्स बढ़ा सकते हैं जैसे आ रहा है। और एक पॉइंट से स्टार्ट कर दो कि हम ये पॉइंट ले रहे हैं इस शेप के साथ, एक एक अल्टरनेट पे हम क्या कर रहे हैं इसका सिलेक्शन, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया था एक एक अल्टरनेट पे हम सिलेक्शन लेते जा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस से रिमूव कर रहे हैं ताकि वो अंदर के पॉलीगन सब शेप कैसे हो जाए हमारे अनइवन, है ना। बाहर में भी अभी और कर सकते हो अगर जो भी लग रहा तुम्हें कि हम ये ब्रेक करके ही रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रेंडमली सिलेक्शन बना रहे हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस है नहीं, कहीं पे साइज ब्रेक का है भी, कहीं पे डाउन है। फिलहाल हमने कहा कि हम रैंडम सिलेक्शंस बनाते चले जा रहे हैं, कंट्रोल बैक स्पेस ताकि एजेस हमारे क्या वहां से रिमूव। फिर से क्या लेना है, एज पे आना है, सारा एज का सिलेक्शन ले लेना है, ले लिया हमने। उससे पहले अपने इस पूरे जितना भी पार्ट है हमारा, यहाँ से हमने कंप्लीट सिलेक्शन लिया और इसके लिए एक अलग से नई लेयर बना दी ताकि इसको हम आराम से क्या कर पाए, हाइड कर। सारा फोकस हमारा किस पे रहेगा, फ्लोर ले लिया हमने। एजेस पे आना है, फिर से सेम वही सिचुएशन यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, सारा एजेस का सिलेक्शन, एडिट मैश में जाके हम क्या कर रहे हैं, डी अटैच, ऑब्जेक्ट मोड में आ रहे हैं और यहाँ पे जाके एडिट मैश में जाके इसे सेपरेट कर रहे हैं। सारे पार्ट्स हमारे क्या हो गए, अलग अलग, सिलेक्शन अभी भी बना हुआ है, एक साथ हमने जाके इन सबको क्या किया, जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड। सारे शेप्स हमारे एक्सट्रूड हो गए, है ना। सिलेक्शन हिस्ट्री रिमूव करें, एडिट डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री हमने रिमूव करी, ठीक, सिलेक्शन लिया, और जब स्मूथ करें तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो सिचुएशन के लिए हमने क्या दे दिया, सब पे क्या अप्लाई हो गया, ठीक। तो शेप हमारा फिर से देखो जैसा हम चाह रहे थे वैसे यहाँ पे ब्रिक बनते हुए दिख रहे हैं, ब्रेवल का फ्रिक्शन हम अपने अकॉर्डिंग
सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जाके क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। डायरेक्टली इसी पे मैश में जाके हमने क्या दिया इसको, शेप हमारे कैसे दिखे थोड़ा सा। अब यहाँ से रेंडमली कुछ भी हम सिलेक्शन लेके, ताकि ये भी आउटपुट हमारा कैसा दिखे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, ऐसा फील करा रहे हैं, डाउन कर रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं एक साथ, स्केल टूल ले रहे हैं, हाइट ज़्यादा लग रही है हमने यहाँ पे, ठीक। अब चेक करें वैल्यूज के पास, लगभग आसपास उस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। फ्लोरिंग वाले शेप को भी न्यू लेयर पे ले लें, सब कुछ अलग अलग लेयर पे, ताकि हम आराम से शेप का सिलेक्शन पिकअप करें और जो भी पोजीशन हमें चेंज वेंज करनी है बहुत आराम से, देखो यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, सेट कर पा रहे हैं। फिर से हमने हाइट किया अपने वेल को और नीचे के फ्लोर पे आ रहे हैं फिर से सिलेक्शन लेके, और अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे कौन सा स्क्लब का ले लेते हैं, यहाँ पे जितना अनइवन कर रहा है उतना भी है। अरे फिर अब इसके नीचे एक प्रॉपर हम क्या दे रहे हैं, फ्लोर स्केल टूल बॉक्स लिया, मूव टूल लिया और इस डायरेक्शन में बॉक्स को निकाला, स्केल लिया, इंक्रीज किया, मूव टूल लिया, पोजीशन हमने इसकी राइट क्लिक, वर्टेक्स और हाइट, एडिट मैश गए, क्या पुट किया इस पे, बेवल फ्रिक्शन जो भी मैंने देना, स्केल टूल यहाँ से और अपने अकॉर्डिंग से मैश में जाके इसमें हमने क्या पुट किया, स्मूथ डिवीजन हमने यहाँ पे स्मूथ के 2 कर दिए, ताकि इसमें ठीक ठाक हमें सेगमेंट मिले। और एडिट में जाके डिलीट बाई टाइप, यहाँ पे हमने इससे डिलीट करी, फिर से स्क्लब पे आ रहे हैं, यहाँ पे रिलैक्स, ठीक है, अनइवन करने के लिए सेगमेंट होंगे तो ही स्मूथली वो क्या करेगा उसको, ठीक है, पहले अनइवन कर दें फिर से भी इसको हम क्या कर देंगे स्मूथ, यहाँ पे फिर से स्मूथ ऑप्शन दे रखा है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी अब हम क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा वो रिलैक्स फॉर्म में से कंट्रोल डी, कॉपी निकल आई, एक सिलिंड्रिकल शेप फिर से ले रहे हैं यहाँ पे, हाइट में रखा है, इसका रोटेशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रोटेशन में इधर किया 90 डिग्री का किया दिया हमने रोटेशन, फिर से पॉली में आ रहे हैं, यहाँ पे इसकी रेडियस थोड़ी सी कम कर रहे हैं, इतना थिकनेस का सही है, फिर यहाँ पे कैप वैल्यू स्कीम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 0 और इसकी हाइट रेशियो यहाँ से नहीं कर सकते, थोड़ी सी रेडियस हमने और क्या करी इसकी, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलीगन्स कितने रख दिए 12 कर, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके इंसर्ट एज ये लिया, ये आ रहे हैं, ठीक, मूव टूल यहाँ पे ये सारे फेस लिए शिफ्ट के साथ, ये सारे फेस साइड, और हमने यहाँ से क्या किया फिर से एक्सट्रूड जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड करा, ऐसा शेप यहाँ पे निकलता हुआ दिखा, प्लेन लिया हमने मूव टूल और प्लेन को यहाँ पे सेट किया, स्केल जितना चाह रहा चौड़ा करना है, मूव टूल हाइट कि शिफ्ट के साथ कॉपी नहीं करी लगभग इस साइड पे, अब इसमें देखो इस साइड बहुत सेगमेंट्स हैं और इस साइड बिल्कुल सेगमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे शिफ्ट के साथ राइट क्लिक क्या लेंगे इंसर्ट एज लूप टूल, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ यहाँ पे मल्टीपल एज कर देंगे ऑन, जितने में चाहिए मान लो हमने 10 ले लिए, ठीक, जब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे 10 एक बार में ही इसके ऊपर क्या होते हुए देखते हैं, करने के बाद रीसेट करना जरूरी ताकि बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पर रहे, ठीक है, एक्सट्रूड करते हैं जेड डायरेक्शन, स्क्लब पे आ जाएं, फिर से रिलैक्स और जितना अनइवन कर पाए उतना अच्छा, ठीक है, जितना आप जैसे पुराने टाइप के रहते हैं बिल्कुल अनइवन टाइप के है ना, कोई क्वालिटी नहीं है इसमें, फिर ले लें इसको अनइवन यहाँ से, फिर से स्मूथ ले लें और थोड़ा सा रिलैक्स करें, जहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है वहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको रिलैक्स, ताकि वर्टिसेस एक दूसरे पे क्रॉस ना आते रहे, मैश में जाके इसे भी प्रॉपर हमने क्या दिया राइट क्लिक, मटेरियल के लिए हमने बताया क्या करना है असाइन न्यू मटेरियल, यहाँ पे शेडर्स में आ रहे हैं और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं AI सरफेस शेडर,
ठीक है, क्या फायदा है AI सरफेस शेडर लेने का? क्लिक करते हैं, हिस्ट्री डिलीट करें इसकी पहले। और AI शेडर्स में हमें क्या मिलते हैं? प्रीसेट्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके के हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखते हैं, जैसे क्ले का हमने ले लिया, हम इसमें रिफ्लेक्शन नहीं चाह रहे हैं, कलर जो भी देना हमें यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। डार्क कलर का कॉम्बिनेशन लिया हमने, ऐसे ही साइड के वुड्स पे आ रहे हैं, राइट क्लिक, फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू मटेरियल, और हम फिर से शेडर पे आके क्या ले रहे हैं, AI सरफेस प्रीसेट्स में जा रहे हैं इसके, और फिर से यहाँ पे हम क्ले का ही ले रहे हैं, है ना। कलर हमने इस बार इसका उसके कंपैरिजन में डिफरेंट किया। चैनल बॉक्स में आ जाए यहाँ पे इसके, और फ्लोरिंग ऑफ कर दी, ये हमने ऑफ किया, बाकी के सारे पोर्शन को भी क्या करते हैं, अलग अलग लेयर पर रखेंगे तो सिलेक्शन हमारा आसान हो जाएगा। हमने न्यू लेयर लिया, हाइड कर दिया, अब केवल हमारा ये पोर्शन रह गया, इस पर हमने राइट क्लिक करके फिर से जो ये वाला फ्लोर है इस पर आ रहे हैं, और इस पर राइट क्लिक करके न्यू मटेरियल हमने फिर से लिया, शेडर में जाके AI सरफेस शेडर, शेडर में आके कलर में प्रीसेट्स में जाके हर जगह हम क्ले यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं चाहते। लगभग यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर या लाइट ग्रीन, इन ब्रिक्स पे आ रहे हैं जो हमने सेट करी हुई है ना, राइट क्लिक फिर से न्यू मटेरियल, और शेडर्स में जाके AI सरफेस, प्रीसेट्स में आके इसमें भी हमने क्ले दिया, कलर हम यहाँ पे ठीक यही हम चाह रहे हैं कि ऊपर के पोर्शन पे भी हमें मिल जाए। ठीक है, केवल बाहर बाहर की ब्रिक हमने सेलेक्ट करी, राइट क्लिक यहाँ पे फिर से असाइन एग्जिस्टिंग जो हमने यूज़ किया हुआ है, फोटो किसी पे भी आके कंट्रोल ए पुट करके इसके शेडर्स में जाके, और हम चाहें तो इसको थोड़ा सा ये पार्ट रह गए इसमें भी असाइन कर देते, शेडर में जाके AI और प्रीसेट में जाके इसको मान लो हमने गोल्ड, एनरोल्ड में आ जाए, लाइट में जाके क्या देना हमें, स्काई में रेंडर चेक कर दें, हमने इन्वायरमेंट में क्या दिया हुआ है, स्काई डोम दिया हुआ है, कंट्रोल ए पुट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, यहाँ पे कलर दे रखा कैसा है, इतने टाइम वाइट है, तो इन्वायरमेंट हमें कैसा दिख रहा है, वाइट, यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी फाइल को लेके बाहर से कोई भी HDR इमेज इस पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक यूज़ कर देते हैं, ये कंट्रास्ट में हम ले कर देते हैं।